नमस्कार, बोल दिल्ली बोल में आपका स्वागत है और मैं हूं सुरेश झा। मद्रास हाई कोर्ट की टिप्पणी ने समूचे चुनाव आयोग को हिलाकर रख दिया है। उनका ये कहना है कि कोरोना काल के दौरान जो चुनाव किए गए थे, ऐसे में चुनाव कराने की जरूरत क्या थी। इतना ही नहीं, बात यहीं पर आके नहीं रुकी है। चुनाव आयोग ने यह भी कहा है कि जिन अधिकारियों ने चुनाव करवाया है, क्यों ना उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया जाए। तो आज हमने दिल्ली वाले से पूछा कि मद्रास हाई कोर्ट ने जो कहा है उस पर उनका क्या कहना है। तो आइए सुनिए दिल्ली वाले क्या कहते हैं। मद्रास हाई कोर्ट एक लर्नेड संस्था है, वो जो भी डिसीजन देते हैं, जो भी बात कहते हैं, उसमें व्यापक उसका सोच विचार करने के बाद ही बोलते हैं। और ये जहाँ तक बात है कोरोना के फैलने की, उसमें हाँ चुनाव जहाँ हो रहे हैं वहाँ क्योंकि कोई नियंत्रण नहीं है, उसका बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन सिर्फ उसी वजह से हो रहा है ये भी कहना थोड़ी सी जाती है। तो ये मेरा मानना ये है कि चुनाव आयोग यदि इस टाइम ये टलवा देता, जब सब परिस्थितियां सही हो जाती तब कराता तो और बेहतर होता। देखिए, मद्रास हाई कोर्ट जैसे अचल भाई ने बोला, एक लर्निंग संस्था है, जो लिया होगा कानून के दायरे में रह के उन्होंने जो प्रावधान होंगे उसके अकॉर्डिंग बोला होगा। लेकिन साथ साथ में ये भी कहना चाहेंगे कि इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं इस जगह पे, और अगर इलेक्शन इस टाइम पे हो रहे हैं और मालूम पड़ गई है कि नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन आ गई है, तो उसको डिसकंटिन्यू करने में समझदारी थी। हम लोग सब गवर्नमेंट के साथ देना चाहते हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी समझ के साथ में काम करना चाहिए, यथास्थिति दे के ही आगे के निर्णय करने चाहिए। अभी भी टाइम है, अभी भी कुछ जो जगह पे पंचायत इलेक्शन है, कुछ इलेक्शन बचे हैं, उनको होल्ड कर दें। लेकिन इसमें यही है कि आपके जो मर रहे हैं, पहले तो सरकार का सारा ध्यान जो है, जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऑक्सीजन की कमी के साथ में लोगों को प्लाज्मा की कमी हो रही है, प्लाज्मा की कमी, रेमडेसिविर की कमी हो रही है, तो जो कमी हो रही है उसको पूरी करें। ये तो आम आदमी तो कर नहीं पाएगा, आम आदमी को तो भटकने के लिए छोड़ दिया इस समय यहाँ पर, कि वो जाए भटके। हॉस्पिटल में क्यों जा रहे हैं? हॉस्पिटल में इसलिए जा रहे हैं ताकि चीज़ें मिलें, चीज़ें मिल नहीं रही हैं तो कहाँ जाएंगे। सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सरकार को चेतना चाहिए इस बारे में। हाईकोर्ट का ये है कि जो भी है, जैसे कि विदित जैन जी ने भी बताया कि जो भी वो फैसला लेते हैं वो उसके दायरे में रह के रहते हैं, न्याय के दायरे में रह के लेते हैं जो भी है। बात यह है कि कोरोना जो है वो आ गया है, मेन बात है कि उसको संभाला कैसे जाए। यहाँ पे जो है, यहाँ पे सारा मानवता वाला काम चल रहा है हमारे थ्रू। हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में ये वाला काम चले कि मानवता के उसमें, जैसे कि लोग काला बाजारी भी कर रहे हैं उसके, उसमें क्यों कर रहे हैं? मानवता वाले उसमें जो आ रहा है उस हिसाब से लें। आपको पैसे कमाने, अपना जो आपका नॉमिनल प्रॉफिट होता है आप उसके उस पर काम करें। 500 रुपये, 1000 रुपये आप एक पे कर रहे हो। दवाइयाँ हैं 25-25, 30-30 हज़ार रुपये पे कर रहे हैं, 50 हज़ार रुपये पे जा रही हैं दवाइयाँ, जिनकी मात्र रुपये कितनी, 5 हज़ार रुपये होनी चाहिए। क्योंकि बीमारी पहले कम करनी है, क्योंकि बीमार होंगे तो कैसे वो डालने जाएंगे वोट वगैरह भी। तो क्यों करवाए इलेक्शन, लोगों को जान में मुंह धकेल दिया? ये तो उसकी गलती है सरकार की, उन्होंने अपना फायदा सोचा, गरीबों का नहीं सोचा, किसी का नहीं सोचा। सर देखिए, निर्णय बिल्कुल देखा जाए इस तरीके से सही नहीं था। हालांकि हमारे देश के लिए चुनाव होने बहुत ज़रूरी है, बिना चुनाव के हमारी सरकार नहीं चल सकती है। हाँ, लेकिन जो अभी सरकमस्टांसेस थे हमारे देश के, उसके हिसाब से चुनाव रैली रोकी जानी चाहिए थी। अगर उन्हें लग रहा था कि हाँ चुनाव की वजह से कोरोना फैल रहा है तो उसको वहीं स्टॉप करते तो शायद हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता। जो केसेज अभी हमारे बड़े हैं, जिस पर चुनाव का जो हाईकोर्ट ने नज़रिया डाला है कि चुनाव की वजह से बढ़े, शायद ये चीज़ इतनी आगे नहीं बढ़ पाती। ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि फांसी दो, के हत्या दो, वो तो उनका काम ही है कि वोट तो उनको देनी पड़ेगी, और अगर सरकार नहीं बनेगी तो सरकार चलेगी भी नहीं। लेकिन कोरोना में चुनाव कराना जरूरी था? हाँ, कोरोना में चुनाव नहीं था जरूरी, लेकिन ये है कि अपना जैसे चल रहा था वैसे तो उनको चलाना ही था। कि अब जैसे हॉस्पिटलों में परेशानी आ रही है, जैसे अब हम जाते हैं जांच करवाने के लिए जाते हैं, 20 लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो इसमें परेशानी आती है। एक तरीके से दूर भी करते हैं और मारपीट भी करते हैं, तो इससे अच्छा नहीं है ना ये। मैं गुरुदेव के सानिध्य में आया हूँ। अभी मैंने इस दौर में ये देखा है कि हर व्यक्ति अपने भूख से तरस रहा है। ये कोरोना काल इतनी संक्रमण बीमारी है जिसका कोई उपचार भी अभी सामने नज़र नहीं आ रहा है। ये तो बहुत गलत बोला है, और मतलब राजनीतिक पार्टियां अपना अपना लाभ लेना चाहती हैं, और जो भी निर्धारित होती है, जो भी कमेटी बैठा ली जाती है, चुनाव आयोग सबसे सक्षम माना जाता है, उसका निर्णय सर्वोपरि माना जाएगा। चुनाव आयोग को लेकर मद्रास हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको लेकर दिल्ली वालों की मिली जुली प्रतिक्रिया है, लेकिन अधिकांश दिल्ली वालों का यही कहना है कि ऐसे समय में अगर चुनाव नहीं होते
तो कोई आफत नहीं आ जाती। लेकिन चुनाव आयोग ने सभी को दरकिनार करते हुए महामारी में चुनाव करवाया तो उसका खामियाजा आज पूरा देश भुगत रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह होती है कि ऐसे में चुनाव आयोग पर एक कोर्ट की टिप्पणी अपने आप में बहुत कुछ कहती है। कैमरा पर्सन मनीष ढोंडियाल के साथ सुरेश झा, ABN News, दिल्ली।